बागवान भाइयों नमस्कार। हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ मेहमान बागवान साथी हैं श्रीमान हेमचंद खोल्टा जी, जो कि हिमाचल प्रदेश जिला शिमला कोटखाई तहसील के रहने वाले हैं। आइए बात करते हैं हेमचंद जी से। हेमचंद जी नमस्कार, हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आपका स्वागत है। नमस्कार सर जी, कैसे हैं सब? घर में ठीक हैं? ठीक है सर, ठीक है, सब ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छा। आप कोटखाई से हैं? कोटखाई से किधर को है आपके गांव? कोटखाई जो बाजार है? नहीं जी, कोटखाई तो बहुत आगे, गुम्मा, गुम्मा जो है ना बीच में जो स्टेशन आता है। जी 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 जी, गुम्मा से ऑपोजिट है ऊपर को, बागी की तरफ ना, बागी झुंगरौली गांव का नाम है। अच्छा जी, अच्छा। सेब तुड़ान हो गया है खत्म या अभी चला हुआ है? नहीं जी, खत्म हो गया जी, मेरे तो सेब ही बहुत कम थे जी इस बारी। अच्छा हाँ जी, चलिए ठीक है। क्या कारण रहा होगा? कारण वो ली फॉल हुआ जी लास्ट ईयर ना, उसकी वजह से फ्लोरिंग तो हुई है लेकिन वो सेटिंग नहीं हो पाई थी जी। देखे, ली फॉल जब होता है उससे आने वाली साल में फसल के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं होता है, लेकिन अगर दो तीन साल में बार बार लीफ फॉल हो रहा है, लगातार लीफ फॉल हो रहा है, तो उससे जो है आगे तीसरी साल या चौथी साल फसल के ऊपर जरूर एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर एक साल में ही आपके पत्ते झड़े तो दूसरे साल उसका जो है इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे लगता कोई और कारण रहा होगा फसल कम होने का। 2019 में तो अच्छी फसल थी और 20 में भी कम थी, ऑल ओवर तो ठीक थी, मतलब औरों की बनिस्पत इस बार तो उसे भी कम रहेगी ना। तो ये जो है इसको विनाइल बियरिंग कहते हैं। हाँ जी, विनाइल बियरिंग रिस्क को कम करने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। नहीं किया जी, पोस्ट हार्वेस्ट किया नहीं किया था जी ना, इस बार किया है। इस बार भी जब आपका शो देख रहा था, जब आपसे जुड़ा मैं, तो मैं लेट हो चुका था उस वक्त, फिर भी मैंने जो प्रयास करने थे वो किए मैंने। अब मेरा ख्याल है कि वो कामयाब हो पाते कि नहीं हो पाते, जो आपने बोला था जिंक बोरन और उसके स्प्रे करने के लिए। हाँ जी, मैग्नीशियम। अच्छा, तो आपने उसकी स्प्रे कर दी है? करी तो है लेकिन लेट की है, क्योंकि मुझे जानकारी लेट मिली है। कोई कोई दिक्कत नहीं जी, कोई थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन हो गई है। हाँ जी, हो गई है, लेट ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे आपने जो है जो दूसरी और स्प्रे बताई थी वो आपने करनी है, या स्प्रे या फिर नीचे आपने डालना है जो बताया गया था फर्टिलाइजर एक्चुअल नाइट्रोजन 300 ग्राम, वो आपने या जमीन में वो डालनी है, या फिर आप स्प्रे कर सकते हैं नाइट्रोजन की जो बताया गया था, वो आपने 2 हफ्ते के बाद करना है। नाइट्रोजन की अभी 20 दिन हार्वेस्ट के बाद हुआ, मैंने नाइट्रोजन की स्प्रे की थी। अच्छा हाँ जी जी, कौन सा नाइट्रोजन, कितना किया था? यूरिया डाला था जी स्प्रे में। कितना? मैंने तो 6 किलो डाला है 200 लीटर पानी में, ज्यादा तो नहीं डाल दिया क्या? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी ठीक है। हाँ जी, चलिए बहुत अच्छा है। अच्छा, आपने कब एनरोलमेंट किया? साथ में कौन बैठा है? बेटा है जी मेरा। क्या नाम है बेटे का? अविनाश खोल्टा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बेटे ने एनरोलमेंट किया है? साथ ये जी, हमने सलाह किया आपस में, मुझे बहुत शौक है इस बागवानी में ना जी सर जी, तो कहीं से ऐसी प्रॉपर जानकारी नहीं मिल रही थी। एक दिन मैंने आपको फेसबुक में जैसी देखा, लाइव किया, चल रहा था आपका प्रोग्राम, तो मुझे लगा कि जानकारियां तो और जगह से भी मिल रही थी लेकिन वो प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पा रही थी जो मुझे चाहिए थी। वैसे ज्ञान देने वाले तो बहुत सारे बैठे हैं जी, कभी कोई बोलता है कि ये करो, फलाना बोलता है कि ये करो, इसकी कमी है, फलाना है, लेकिन मुझे कोई
मेरा मन कर रहा था कि ये सही जानकारी या नहीं मिल रही, कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है हमारे को बागवानी सही करने के लिए। जी जी अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको एनरोलमेंट किए? 28 तारीख को किया जी मैंने, अगस्त में। हाँ, लगभग महीना होने वाला है अब। हाँ जी सर। ठीक है जी। अच्छा, तो जो वीडियोस आपको मिली, रिकॉर्डेड वीडियोस, वो आपने देख लिए? 13 वीडियोस जो मिली थी। हाँ जी, मैं और द्वारा से भी देख रहा हूँ उसको बीच बीच में, जैसे मतलब टाइम लगता है। एक बारी तो सारी देख ली है, बीच बीच में अभी उसका बस एक काम नहीं है, जैसे आगे चलेगा वो सर्दियों में तो उसको खोल सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। लिखा तो नहीं है अभी मैंने डायरी में, मेरे पास इतना समय नहीं मिल पाया सर जी। अच्छा, कैसा लगा वीडियोस को देख के, कैसा लगा जी? नहीं जी, सारा डाउट क्लियर हो गया जी सर। अच्छा, सारा डाउट क्लियर है जी। ठीक है। अच्छा, बेटा भी देख रहा है वीडियो? हाँ जी, वो भी देख रहा है जी, हमने साथ ही देखी है जी, बल्कि फैमिली में सलाह करके देखा है जी। कई तो ऐसे बोलते कि पैसे मरवा दिए आपने, मैंने चलो देखते जरा। मैंने वैसे बड़ा जल्दी नहीं ये फैसला लिया, जब मैंने कुछ आपकी बातों में सच्चाई देखी तब मैंने इसको एनरोलमेंट किया जी। अच्छा, पहले आपने पूरा वेट किया, आपने पहले सोचा कि जरा ठीक है, पहले देखा जाए वाकई में लेना है नहीं लेना है, या ठगी तो नहीं हो रही है, कुछ बताएंगे भी कि नहीं बताएंगे? ये बहुत बढ़िया आपने कहा, बताने वाले तो बहुत है सर जी, आप जैसे नहीं है कोई। रियली बताता हूँ, आप हंस रहे हैं मेरी बात के ऊपर, मैं रियली बता जी। हाँ जी। अच्छा, फिर आपने सोच समझ करके आपने फैसला लिया है, एकदम से जल्दबाजी में नहीं लिया? नहीं जी, सोच समझ के लिया जी। चलिए, बहुत अच्छा, और होना भी ऐसे ही चाहिए। पहले हम खुद कॉन्फिडेंट होने चाहिए, हमें खुद विश्वास होना चाहिए कि जो हम जहां भी हम जुड़ रहे हैं वहां उसके ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए, और जब हमारा मन कहता है तब हम लोगों को जो है आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत बढ़िया आपने किया कि पहले आप खुद आपने अपने ऊपर और आपने हमारे सिस्टम को पहले चेक किया, आपने देखा काफी दिनों तक तो आप वीडियोस देखते रहे, लाइव सेशन आप देखते रहे होंगे, फिर आपने लेट में जो है आपने ज्वाइन किया। हाँ जी सर। हाँ जी सर जी। अच्छा, आपने वेबिनार ज्वाइन किए हैं? वेबिनार किया आपने, संडे को होता है ना शाम को? हाँ जी, कल भी किया था, बल्कि कल कुछ खास कुछ आया नहीं, ऐसे रहे हम वेट करते हुए जी। नहीं, हमारी वेबिनार जो है वो इतवार को होता है, हर इतवार को। इतवार को तो करते हैं सर। हाँ जी, वो इतवार वाला मिस नहीं करना है। इतवार के अलावा जो वेबिनार होते हैं वो उनके लिए होते हैं जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं किया। अच्छा जी। हाँ, वो तो किए सर, पहले किए ना जी, जी। तभी तो ये लगा कि है कुछ दम है इस सिस्टम में, कुछ है जी। ठीक। अच्छा अच्छा, आप परसों शनिवार को थे, शनिवार को भी हुआ था वेबिनार? हाँ जी, हाँ जी सर जी। अच्छा, आपको पता चला क्या नया क्या हुआ है? हाँ जी, कि आप एनरोलमेंट ज्यादा महंगी हो गई है जी। महंगी होगी सर अब तो। अच्छा, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बल्कि बेटे ने देखा, मेरे यहाँ मेहमान आए हुए थे ना जी सर जी, मेरे बेटे को बोला कि आप देखो जरा आज का वेबिनार देखो, तो इसने बताया था मेरे को, मैं तो अब यही जवाब दे रहा है कि अब थोड़ा महंगा हो गया, बस सिस्टम के बारे में ही बता रहे थे आप कुछ जी। हाँ जी, 26 तारीख को इसकी लॉन्चिंग होनी है, और अभी जो है ये 4,999 रुपए एनरोलमेंट अब। हाँ जी, हाँ जी, वो हम तो टिक गए सर जी इसमें। अब क्या हो गया, अब थोड़ा चेंज भी हो गया है। पहले क्या होता था, हर इतवार को वेबिनार होते थे, काफी लोग जो है वेबिनार को मिस कर जाते थे। अच्छा जी, किसी को कुछ काम है, कोई सेब तोड़ रहा है, कोई मार्केट की तरफ अगर सेब के साथ गए हैं, या गांव में घर में कोई फंक्शन है, शादी ब्याह जगराते हैं, तो छूट जाता था किसी का वेबिनार, तो वो रह जाता था। तो काफी लोगों की आप लोगों के ही बहुत लोगों के सजेशन आए थे कि ये जो वेबिनार होते हैं इसकी भी हमको वीडियो चाहिए। अच्छा जी। अच्छा, फिर हमने क्या कर दिया, अब जो इतवार को वेबिनार होगा
उसकी रिकॉर्डिंग आपको दो दिन बाद मिल जाएगी, जहां आप ये पहले वाली वीडियो देख रहे थे ना, 13 वीडियो दिखती है आपको। हाँ जी, हाँ जी, वहीं पर अब आपको वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी दो दिन, बुधवार को मतलब इतवार को वेबिनार होगा, अगर आप नहीं आ पाए, वेबिनार आपने अटेंड नहीं किया, तो आप जो है बुधवार को देख सकते हैं उसकी रिकॉर्डिंग। ठीक है जी। हाँ जी, तो आप क्या होगा, पूरी साल वेबिनार होंगे और उनकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। तो आप जो है 4,999 रुपए अभी 26 सितंबर तक, और 26 सितंबर के बाद जो है ये फिर और प्राइस बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ये नहीं फाइनल हुआ। तो अभी जो है क्या होगा, अब पूरी साल में हर इतवार को जो वेबिनार होने हैं 29 मई 2022 तक, इन सब की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। तो अब आपको कितनी वीडियो मिलेगी, आप जो है 53 वीडियो ये वेबिनार की हो गई, 13 वीडियो पहले से डली हुई थी 66, और साथ में 12 वीडियो जो है कम्युनिकेट एंड इन्फ्लुएंस की जो है। अच्छा जी, हाँ जी, तो 66 और 12 78 वीडियो, 78, हाँ जी, 78 वीडियो मिलेगी, और इसके अंदर सारा सार है बागवानी का। हाँ जी, ये हाँ जी, हाँ जी, बाकी तो जैसे जिसका जो टाइम होता है ना, जैसे प्रोनिंग का टाइम है, हार्वेस्ट का टाइम है, तो आप वैसे तो लाइव चलता ही रहता है वैसे। जी बिल्कुल सर, थोड़ी सी समस्या है मेरी। हाँ जी बताएं। जैसे वो बताया था ना जी, रूट आउट और कलर रूट के लिए जी, जे अभी भी नमी तो है भरपूर, क्या मैं उस को भी उस ट्रीटमेंट को जो है कर सकता हूँ एप्लीकेशन को? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, आप जो है अभी तुरंत, आप जैसे अगर इन्फेक्टेड पौधे हैं उनमें आपने तुरंत जाकर के हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल देना है 10 ml प्रति लीटर की डोज बना करके एक पौधे में। जैसे आपने वेबिनार किया होगा अटेंड रूट रॉट, इसको स्क्रीनशॉट लिया है जी आपका, बहुत बढ़िया। तो उस हिसाब से आपने वैसा ही तुरंत करना है, अभी मॉइस्चर भी ठीक है, और अभी आप अगर कर लेंगे तो आपको जो है, ताकि जब मार्च में पौधा डोरमेंसी से बाहर निकलेगा तो तब आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले, पौधा जो है स्वस्थ हो जाए। बस ये ध्यान रखना, अगर पौधे की स्किन लाल हो चुकी है जी, कहीं कहीं है जी, थोड़ा काफी लग रहा है मेरे को इन्फेक्टेड। हाँ, अगर पौधे की स्किन लाल हो गई तो वो वापस नहीं आएगा, वो पौधा अपरूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए वेट नहीं करना है, उसमें दवाई भी नहीं डालनी, उसको आप जो है छोड़ी दे, वो वापस नहीं आएगा जिसकी स्किन लाल हो गई है। अच्छा, उसका जैसे न्यूट्रलाइज करना है ना जी जमीन को जी, उसके बाद तो कैसे कर सकते हैं उसको, सूट विनाश और वो दूसरा ट्राइकोडर्मा? हाँ जी, कितने दिन? 20 दिन के बाद जी। अच्छा जी, अच्छा, वो तो अच्छा जी, वो तो और की शक्ति को बढ़ाएगा ना जी। बिल्कुल, वो जो है अब जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड पहले आपने डाला, वो साफ करेगा, पहले साफ करेगा, जैसे घाव भी होता है ना जी, इंसान को घाव है या जानवरों को घाव है, उसको साफ करने के लिए भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज होता है। ठीक है जी। हाँ जी, ये तो उसको जब ये हर जगह मिल जाता है जी? हाँ जी, अब मिल रहा है, लगभग सारी सब दुकानों में मिलता है। अच्छा जी, एक और प्रश्न है जी मेरा जी, जैसे न्यू प्लांटेशन करनी है, जैसे आप बढ़ावा दे रहे हैं गाले को ना जी, मेरी 6000 की हाइट है, 6000 में कितना लगेगा, कौन सा गाला लगेगा, और एक 7,500 की हाइट में मेरा बगीचा है जी, वहां पर प्लॉट है, तो कौन सा गाला मैं अप्लाई करूँ अपने बगीचे के लिए? देखिए, वैरायटी सिलेक्शन जो है ना जी, इसके ऊपर हमारा अलग से वेबिनार हुआ, पूरा 1 घंटे मैंने समझाया कि कैसे जो है वैरायटी सिलेक्शन कैसे करनी है, किस एलिवेशन के हिसाब से क्या क्या इसका झोल होता है, झोल झाल। अच्छा अच्छा, हाँ जी, तो आपको जो है वो वीडियो 18 तारीख तक आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, 18 या 19 को। अच्छा, वहीं पर आप पूरी 1 घंटे की वो वीडियो देखेंगे बेटे के साथ बैठ करके, और आप समझ जाएंगे क्या क्या है। अच्छा जी, अच्छा, हाँ जी, मैंने तो नर्सरी लगाई थी सर, उसकी क्या बोलते हैं, मैंने तो सीडलिंग पे लगाई है वैसे जी, अब मैं रूट स्टॉक पे जाने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर, एक साथ तो कुछ हो नहीं पाएगा, स्टेप वाइज चलना पड़ेगा जी, जैसे जैसे जानकारी मिलेगी उस हिसाब से ही
मेरे को शौक है जी, इस उम्र में भी शौक है, मेरी इस वक्त 55 एज है जी। हमने तो शुरू से लेकर यही काम किया है, लेकिन ढंग से नहीं किया कोई काम सर। चलिए बहुत बढ़िया जी, अगर इस उम्र में भी आपको अगर शौक है, उम्मीद करता हूँ जो जवान लोग जो यूथ अभी आपको देख रहे हैं, आपकी बातें सुनकर के आपकी एनर्जी को देख करके शायद वो भी मोटिवेट होंगे, वो भी कुछ नया करने की सोच रखेंगे और बगीचे में बदलाव लाने में वो भी आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ जी। ठीक है जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप अगर बागवान भाइयों को कुछ कहना चाहते हैं हॉर्टिकल्चर टॉक शो के माध्यम से? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये सही प्लेटफॉर्म है जी, लेकिन हम दर दर की ठोकरे खा रहे हैं जी। मेरे को, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ जी, कहीं से सही जानकारी नहीं मिल रही थी, और मिल भी रही थी तो वो गलत जानकारियां हमारे को मिल रही थी, उसका नुकसान मैंने तो अपने पिछले कई सालों से उसका नुकसान ही भुगता है वैसे देखा जाए, और ज्यादा करके हमारे डॉक्टर जो है, जो ये दवाई वाले होते हैं, इनके ऊपर तो भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बोलते हैं ना तो अपने प्रोडक्ट बेचने सर, ये बोलेंगे ये डालो, ऐसे करो, फलाना करो जी। मेरे ख्याल से तो सही प्लेटफॉर्म तो यही है जो आपके माध्यम से, मेरे को तो यही लगता है जी। बाकी ज्यादा क्या, लोग खुद ही समझदार है जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, लोग खुद समझदार है। और आपने जैसे कहा कि जो प्रोडक्ट हम लेते हैं, दुकान से लेते हैं, उन प्रोडक्ट के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में अगर हमें खुद जानकारी हो, कौन सा न्यूट्रिएंट कब देना और कौन सा देना, क्यों देना है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी जानकारी, और क्या फंजीसाइड होता है, क्या इंसेक्टिसाइड होता है, कब उनका यूज करना चाहिए, ये सारी जानकारी जब हमें होगी तो हम जो है पूछेंगे नहीं लाला जी को, हम जा करके लाला जी से सीधा प्रोडक्ट लेंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसे कहा ये बहुत जरूरी है सभी बागवान भाइयों के लिए भी, कि सारी जानकारियां हर एक बागवान भाई को होनी चाहिए, ताकि खुद अपने बगीचे से संबंधित निर्णय ले पाए, और क्या हमें सॉइल एप्लीकेशन में देना है, क्या हमें फॉलर एप्लीकेशन में देना है, क्या हम लोगों को पौधे लगाने चाहिए, क्या वैरायटी लगानी चाहिए, ये सारी चीजें सभी बागवान भाइयों को अगर मालूम हो तो फिर कोई भी बागवानों को कोई नहीं ठगेगा फिर। हाँ जी, बहुत बैठे जी ठगने वाले तो चलिए देखिए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, गलती हमारी है कि हम जो है उनसे ठगे जा रहे हैं, अगर कोई ठग रहे हैं तो हमारी गलती है, हम ठगे जा रहे हैं। हम जानकारियां इकट्ठी क्यों नहीं कर रहे हैं, हम सीख क्यों नहीं रहे हैं? अगर हम सीख जाते तो जो जिन जिन लोगों को पता है सारी चीजों का, वो उनको नहीं ठगते। चलो जी, जैसे भी है जी, सब चीजें सब के लिए नहीं होती सर। हाँ जी, सब चीजें सब के लिए नहीं है जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, ठीक है हेमचंद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आने के लिए, आपसे मुलाकात होगी वेबिनार में इतवार को। नहीं जी, पर्सनली मिलना, रोड कोटखाई का कितना फर्क है जी? बहुत कम, 58 किलोमीटर है यहाँ से कोटखाई। हाँ जी, तो मैं आपसे मिल सकता हूँ जी? बिल्कुल, हम जो है अभी ऑर्चर्ड विजिट का भी प्लान कर रहे हैं, जितने लोगों ने एनरोलमेंट किया है सब लोग जो है हमारे ऑर्चर्ड में आएंगे, और यहाँ पर बैठ करके हम पूरे दिन बातचीत करेंगे। अच्छा, कोई डेट फिक्स हो गई सर? नहीं, जब डेट हम बना रहे हैं, एक्चुअल में खाली डेट फिक्स नहीं करनी है, प्रोग्राम कैसे होगा, पूरे दिन भर क्या क्या कार्यक्रम होंगे, ये सारा भी प्लान करना होता है, तो जैसे ही डेट फिक्स होती है वैसे ही आप लोगों को बता दिया जाएगा जी। तो अभी तो आप कश्मीर जा रहे हैं सर? हाँ जी, अभी कश्मीर जा रहा हूँ मैं 20 तारीख को। अच्छा, हाँ जी, फिर 4-5 दिन में वापस आऊंगा, और फिर उसके बाद हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों के पास भी हम आए, और आपके यहाँ पर आकर के आप लोगों से बातचीत हो, तो उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। चलो जी, सब जूम पे नहीं आ सकते जी, सब पढ़े लिखे भी नहीं है, कई को तो नेट ही चलाना नहीं आता जी, सबसे बड़ी दिक्कत ही है जी, अगर जुड़ना भी चाहते हैं तो नहीं मालूम है जी।
हाँ जी बिल्कुल 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 तो और बेहतर होगा, फिर बता भी सकते आप इसके बारे में ना जी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आपके सजेशन हम बिल्कुल लेंगे और इसके ऊपर बात भी करेंगे टीम के साथ। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी, ठीक है हेमचंद जी, धन्यवाद, धन्यवाद जी आपका, आपने जो समय निकाला हमारे लिए सबके लिए जी, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे, ऐसा रहिए जी, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जी। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन पैसे कमाने के साथ एक अच्छा वो होना चाहिए, ईमानदारी का सिस्टम जो आपका है जी। जी चलो ठीक है जी, ठीक है जी, नमस्कार। अच्छा जी, अच्छा, नमस्कार। तो भगवान भाइयों, आज हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में किसी और नए बागवान साथी के साथ। साथ ही साथ आपको एक और खुशखबरी भी मैं देना चाहता हूं कि आने वाले इतवार को यानी 19 सितंबर 2021 को हमारा 6th ऑर्गेनिक फार्म फेस्ट होना निश्चित हुआ है। 19 सितंबर 10:30 बजे और इसकी कार्यक्रम की जो रूपरेखा है और कौन कौन इसमें अतिथि रहने वाले हैं, किन किन महानुभावों का, किन किन बुद्धिजीवियों का बागवान भाइयों को उद्बोधन मिलेगा, किन के एक्सपीरियंसेस बागवान भाइयों को सुनने को मिलेंगे, वो अभी आप लोगों से इसी पेज पर बैनर के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो आप ट्यून रहें, पेज को फॉलो करना ना भूलें और 19 तारीख, जी हाँ याद रखें, 19 तारीख 10:30 बजे अपना टाइम, अपना समय जो है उस हिसाब से शेड्यूल करें कि ऑर्गेनिक फार्म फेस्ट के लिए आपने इतवार 10:30 बजे फोन की बैटरी को फुली चार्ज करके और डाटा को बचा करके या फिर डाटा एड ऑन करके आपने रखना है। तो ठीक है, आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे हॉर्टिकल्चर टॉक शो में फिर किसी नए बागवान साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।